राजधानी में मौसम की करवट लेने के साथ ही वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण में मामूली गिरावट आई है। रविवार को अधिकतर इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में रही और सोमवार को भी यही देखने को मिल रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 314 दर्ज किया गया, ये शनिवार के मुकाबले 7 सूचकांक कम है। दरअसल NCR में दिल्ली की हवा सबसे अधिक प्रदूषित दर्ज की गई है। सुबह से ही सोमवार को धुंध और कोहरा देखने को मिला। 29 इलाकों में हवा बेहद खराब और 5 इलाकों में और ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुमान की अगर बात की जाए तो ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि बुधवार तक हवा बेहद खराब श्रेणी में ही रहेगी। दरअसल भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि IITM के मुताबिक हवा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से चलती हुई नजर आई। दौरान हवा की गति 8 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा रही। सोमवार को हवा उत्तर पश्चिमी दिशा से चलने का अनुमान है। सुबह के समय धुंध और कोहरा छाने की आशंका है, ऐसे में हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी रही। मंगलवार को भी हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर से चलेंगी। इस दौरान हवा की चाल 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। बुधवार को हवा उत्तर पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है, साथ ही हवा की गति 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। 29 इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में नजर आई। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB की अगर बात की जाए तो CPCB के मुताबिक दिल्ली में रविवार को 29 इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इनमें नेहरू नगर में 362, बवाना में 342, विवेक विहार में 335, जहांगीरपुरी में 352, अशोक विहार में 318 सूचकांक दर्ज किया गया। तो वहीं 5 इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जहां लोधी रोड में 264, मथुरा में 277, दिलशाद गार्डन में 233 सूचकांक दर्ज किया गया। CPCB के अनुसार गाजियाबाद और गुरुग्राम में 230, नोएडा में 249, फरीदाबाद में 276 और ग्रेटर नोएडा में 261 AQI दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में ही है। बहरहाल एक तरफ लोगों को ठंड से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पॉल्यूशन से भी लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते दिल्ली वासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त घने कोहरे की वजह से लोग कपकपी महसूस कर रहे हैं, तो वहीं तेज हवाओं ने भी लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है।